नमस्कार और आदाब सनीचर है। नवंबर के 14 तारीख पेश है आपके लिए 7 दिन की खबरें। दीपावली पर्व आज है और दीपावली पर्व के मौके पर सबसे पहले हर एक को शुभकामनाएं हम पेश करते हैं। आप हर एक को शुभ दिवाली हम पेश करते हैं। कोविड 19 से जुड़े सबसे पहले हम आपको बता दें कि पिछले एतवार को प्रेसिडेंट चंद्रिका प्रसाद संतोखी की जगह पर मिनिस्टर फॉलोस्को सोंथेट का अमर रामाधीन एक स्टेटमेंट दिए है और इसमें कहा है कि सूरीनाम देश जो है इस वक्त खतरे से बाहर है। बहुत कम बिस्मैथिंगन है, पेशतर जो कोद रोत था अब कोद उराए हैं सूरीनाम देश के वास्ते। मतलब ये है कि लोग बहुत ही कोशिश किए थे ये जो बीमारी है कोविड 19 वायरस जो है फैलने से रोकने के लिए और इसमें ज़्यादातर लोग कामयाब हुए हैं। लेकिन मिनिस्टर रामाधीन ने कहा है कि अभी तक खतरा टला नहीं है क्योंकि कुछ बिस्मैथिंगन अभी तक है और ख़ास तौर पर हॉलैंड से जो लोग आते हैं इन लोगों से खतरा है। ज़्यादा लोग क्वारंटाइन में है लेकिन क्वारंटाइन में इसलिए है क्योंकि यह मात्र ही हल है कि लोग हॉलैंड से अगर आएगा तो लोगों को क्वारंटाइन में रहना है 10 दिन तक। कोद ओराया सूरीनाम देश के वास्ते है लेकिन अभी तक आफन क्लॉक चालू है। आफन क्लॉक जो है अभी तक है रात में 10 बजे से सुबह में 5 बजे तक। सामस होलिंग जो है निक्रोतरदान 30 पर्सोन मतलब 30 लोगों से ज़्यादा एकत्र एक जगह पर होना ये बिल्कुल मना है। और जश्न करना फेस्टन इस फरबोधन हर्स फेस्टन इसमें भी है। जो लोग घर पर जश्न करते हैं ये भी बिल्कुल मना है और इसके लिए किसी भी तरह के डिस्पेंसासी लोगों को नहीं मिलेगा, इजाज़त नहीं मिलेगा। फ्रेंस सीमा जो है आकाश के जरिए जो है ये कुछ हद तक खोला गया है पर्सोन फॉर केयर के वास्ते। अगर ज़रूरी है सूरीनाम देश आने के लिए तो लोगों को इजाज़त मिलेगा और जो लोग बाहर देश में रिपैट्रिएंट जो है उन लोगों को मौका है सूरीनाम देश वापस आने के वास्ते। लेकिन सभी मातृकरण सभी प्रोटोकॉल पर लोगों को गौर करना पड़ेगा। अफसोस के बाद हमेशा रहता है जब लोगों के देहांत होता है और हम आपको बता दें कि कोविड टेलर इस वक्त 114 पर है। सूरीनाम देश में 114 लोगों का देहांत ये कोविड 19 वायरस से हो गया है। सरकार ये फैसला किए है जनता को या मजदूर को जो सरकारी मजदूर है इन लोगों को एक बोनस देने को नवंबर महीना में और दिसंबर महीना में। नवंबर महीना में इसलिए क्योंकि सूरीनाम देश 45 साल होंगे कि आज़ाद होंगे। 45वीं आज़ादी के दिन सूरीनाम देश मनाएंगे। सिर्फ इदेंसी के मौके पर लोगों को दी जाएगी, मजदूर को दी जाएगी, सरकारी मजदूर को दी जाएगी 300 SFD 300 SFD बोनस के तौर पर। और प्रेसिडेंट ने कहा है कि दिसंबर महीना में एक कैश बोनस भी रहेगा, इतनी ही रकम रहेगा 300 SFD कैश बोनस अमतनारन को मिलेगा। वैसे कुछ इंस्ट्रक्शंस इस बोनस के बारे में प्रेसिडेंट कहते हैं कि दिया गया है ये द्री तबीकी पर ऐलान हुआ है प्रेसिडेंट के जरिए पिछले हफ्ता की एक बोनस अमतनारन को मिलेगा दिसंबर और नवंबर महीना में। इस सिलसिले में डेयाना में कुछ ख़ास सवाल किया गया है, डेयाना लेदन सवाल किए हैं और सबसे अहम सवाल ये है कि यह पैसा जो बोनस के तौर पर लोगों को दी जाएगी यह पैसा कहाँ से आएगा। वैसे सरकार इस बारे में और खुलासा लाने वाली है जो बखरोतिंग्स बहंडलिंग होगा इसी सिलसिले में या ये बखरोतिंग्स बहंडलिंग के दौरान ये सरकार इस बारे में और खुलासा देंगे। लेकिन तय हो चुका है कि नवंबर महीना के वास्ते और दिसंबर महीना के वास्ते अमतनारन को एक सिर्फ इदेंसी बोनस और एक कैश बोनस मिलेगा, दोनों महीने 300 आपको मिलेगा। एक फिटसर का देहांत हुआ है यातायात फिरकेर में। हम्फ्री चून 65 का हॉस्पिटल में इसका देहांत हुआ है। इनका एक हादसा हैंक आरोन स्ट्रात में हुआ था। एक फिटसर जो है और एक ब्रॉम फिटसर दोनों आपस में टकराए हैं और नवंबर के 6 तारीख यह हादसा हुआ है। लेकिन हॉस्पिटल में इनके देहांत हो गया है। लोग इनको घायल अवस्था में घायल हालात में लोग स्पुत ऐसुंदुलप ले गए अकादेमी सिकन हाउस पर हमारी वो का और हॉस्पिटल में इनका देहांत हो गया है। पुलिस जो है ये बताई है कि ये ब्रॉम्फिटसर के बयान से पता चला है ज्ञानी पे अख्तिनियार कि दोनों गाड़ी जो है दोनों हैंक आरोन स्ट्रात से जा रहे थे, वहाँ से गुजर रहे थे। ये फिटसर जो है ये एक अवैध मैनूवर किए है
और इसी वजह से ये दोनों जाकर आपस में टकराए हैं। यह ब्रोम्फिट्सर इनसे टकराया है। यह आदमी बुरी तरह से घायल हुए और हॉस्पिटल में इसका देहांत हो गया है। मिनिस्टेरी फनोन दरवे से ऐलान किए हैं कि आने वाले सोमवार से नॉर्मालस होल यूरेंस होल कैदन रहेगा। बेशतर ये ऐलान हुआ था गर्मी के वजह से कि स्कूल जो है यह 12 बजे तक या 11 बजे तक खुला रहता, लोग वहाँ पर पढ़ाते। लेकिन अब जो मिनिस्टेरी फनोन दरवे ऐलान किए हैं कि जो 15 तारीख नवंबर से, नवंबर के 15 तारीख से सभी स्कूल जो है इनका जो ओपनिंग्स यूर रहेगा ये नॉर्मल यूर रहेगा जैसे हमेशा रहता था। क्लोइटर्स लेयर यार एन एंड ट्वी का इन लोगों को 12 बजे तक स्कूल पर रखा जाएगा। लेयर यार थ्री और फोर के वास्ते 12:30 बजे तक लोगों को स्कूल पर रहना है। और फेफ तो तमैत आख लेयर यार फेफ तो तमैत आख इन लोगों को पढ़ाई करना है सुबह में 8 से दिन में 1 बजे तक। फे ओ ये स्कूलों पर पढ़ाई करना है 7:30 से 1 बजे तक। और फर्स्ट फे ओ एस होलन पर बच्चों को या लेयरलिंगन को स्टूडेंट को पढ़ाया जाएगा सुबह में 7 बजे से दिन में 1 बजे तक। तो आप जो लोग स्कूल जाते हैं, बच्चे स्टूडेंट लेयरलिंगन और माँ बाप भी है, आप लोग ज़रूर इस पर गौर करना कि नॉर्मल स्कूल तय दिन आने वाले सोमवार नवंबर के 15 तारीख से रहेगा या नवंबर के 16 तारीख से रहेगा। एक आन रेडिंग के बारे में पिछले हफ्ता हम आपको बताए थे, मैंकन दम और ये है मखेंटावेख और मावाकाबोवेख के मोड़ पर। मखेंटावेख और मावाकाबोवेख के मोड़ पर जहाँ पर एक बारबेक्यू स्टैंड थे वहाँ पर तीन स्त्रियाँ तीन औरतें मौजूद थे और एक आदमी नशे के हालात में था, तेज़ी से गाड़ी हाँक रहा था और इनके पास कालदख रे बवैस भी नहीं था। जाकर ये जो क्रॉसिंग है ये इसे पार किए है और इन लोगों से टकराया है। यहाँ पर यह हादसा से कालावती बुद्धू रेवत द्रियंतर तखियार का स्त्री वहीं पर इनके देहांत हो गए थे और दो और लोग, दो जो बाकी के दो औरतें यहाँ वहाँ पर थे, ये लोग बुरी तरह से घायल हुए थे। अफसोस के बाद हम ये बताना चाहते हैं कि कालावती के बहन जो है देविका बुद्ध इसमें थे 34 साल का, इनका देहांत 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में भी हो गया है। ये हादसा नवंबर के 1 तारीख को हुआ था और नवंबर के 11 तारीख देविका बुद्धू के मृत्यु हो गई है हॉस्पिटल में। ये 34 साल इनके उम्र था। अफसोस के बात है कि दोनों बहनें जो है 10 दिन के अंदर दोनों के देहांत इस हादसा से हो गया है। सुरीनाम देश में न सिर्फ लेकिन पूरे दुनिया भर में आज दीपावली पर्व मनाया जाता है। तो दीपावली के शुभ अवसर पर हम आपको ढेर सारी शुभकामनाएं पेश करते हैं। ये चरागों का त्यौहार है, ये उजाला लाने के लिए, हर एक के जीवन में रोशनी लाने के लिए अटलिखियस फेस दीपावली पर्व हर एक मनाते हैं। तो आप भी दीपावली जलाइए, रोशन कीजिए अपने जीवन, अपने घर, अपने आसपास, और अंधेरा आप दूर कीजिए। आपस में प्रेम प्यार आप बांटिए और ये दीपावली पर्व बहुत ही समारोह के साथ आप मनाइए अपने पूरे परिवार के साथ। रोशनी आप फैलाइए, उजाला आप लाइए अपने जीवन में और औरों के जीवन में। यहां से हर एक जो दीपावली पर्व मनाते हैं आप हर एक को हम शुभ दिवाली पेश करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार और खुदा हाफिज़।